एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा सका। राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अदानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए, इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, वो कह रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पहले एंटी करप्शन थी लेकिन अब उनमें क्रोनी कैपिटलिज्म वाली बात कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा सका है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे, 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। जो इदारे हैं, जो सिस्टम है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने सारे सिस्टम्स को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाएंगे, ना गए, वो सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। जो लोग गए, पेगासिस का संज्ञान भी लिया था, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, कुछ जांच भी कर ली। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि हर इलेक्शन से पहले ऐसे एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी होता है, पहले रफाल था। देखिए स्मिता जी, मैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को इसका जवाब देने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, इस बारे में मैं कम से कम अभी बात करना नहीं चाहूंगा। क्या कोई कंस्पिरेसी है सर, जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये सब ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई? देखिए सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरसी कर लो कुछ नहीं होता है, वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए। कश्मीर में आपने कहा था कि स्टेटहुड वापस आएगा, आपने ये वादा किया था कि एक नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट वादा किया था, एक चुनाव के बाद आएगा, और जम्मू कश्मीर के चुनाव, और जम्मू कश्मीर का चुनाव अभी आप नहीं कह सकते? नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मतदाता सूची बनाने का काम लगभग लगभग समाप्ति पर है, फिर इलेक्शन कमीशन ने कॉल लेनी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि कोई चुनाव नहीं हो रहे, इतने सालों साल चुनाव नहीं हो रहे, एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ यू नो गेटिंग थिंग्स डन, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के घरों पर बुलडोजर चलने लग गए हैं, आर्बिट्ररी हो रहा है। देखिए अगर मनमाने तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कुछ भी हो रहा है तो सब कोर्ट में जा सकते हैं। एक बात, जहां तक चुनाव का सवाल है, उनको कभी क्यों पंच सरपंच जिला पंचायत तहसील पंचायत के चुनाव की याद नहीं आती है? वो हमारे ही शासन में हुए हैं, 70 साल से आप लोगों ने नहीं करे थे। 3 परिवार अपना कब्जा बनाकर जम्मू कश्मीर में बैठे थे और आज ये सारे चिल्ला रहे हैं। सैटरडे को, शनिवार को आप कर्नाटका में थे और आपने पीएफआई की बात की कि बीजेपी की सरकार है जिसने पीएफआई को बैन किया, और थोड़ा सा उसमें विवादास्पद बयान ये भी था कि कांग्रेस जो है वो पीएफआई को उत्साह रही थी, तो वहाँ पर जो कर्नाटका के जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं कि ये टिपिफाई किया आपने कि कांग्रेस और पीएफआई एक थी। मैंने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस और पीएफआई एक थी। मैंने ये कहा कि पीएफआई के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस थे, वो केस को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया जिसको कोर्ट ने रोका है। अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या, या तो आप प्रयास न करते, प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है, और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला
ऑर्गेनाइजेशन था, टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.